दोस्तों चीन की शाह पर कूद रहा नेपाल अब भारत को युद्ध की धमकी भी देने लगा है। नेपाली रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो नेपाल की सेना भारत को जवाब देगी। पोखरेल ने भारतीय सैन्य प्रमुख की हाल की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है, हमारी सेना बात करने के लिए नहीं है, वो पेशेवर सेना है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगी। दरअसल दोस्तों सैन्य प्रमुख मुकुंद नरवाने ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा था कि नेपाल किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहा है। उनके इस बयान पर नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अब रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने इसका जवाब दिया है। ईश्वर पोखरेल ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर भारतीय सेना प्रमुख की टिप्पणी ने गोरखा रेजिमेंट की भावनाओं को आहत किया है, जिसने भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। नेपाल की समाचार एजेंसी के साथ एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पोखरेल ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय सेना प्रमुख का बयान किस पृष्ठभूमि और परिस्थिति पर आधारित है। ये गौरवशाली नेपालियों को अपमानित करने का एक प्रयास है। इससे नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई है। दोस्तों नेपाली रक्षा मंत्री ने सवाल किया कि क्या सेना प्रमुख के लिए राजनीतिक बयानबाजी करना उचित है। उन्होंने एक तरह से भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि नेपाली सेना ऐसे मामलों पर मुखर नहीं होती, सेना बयानबाजी करने के लिए नहीं है। नेपाली सेना पूरी तरह से पेशेवर सैन्य बल है, वो हमारे संविधान के आधार पर और सरकार के निर्देशकों के अनुसार सही समय पर अपनी भूमिका निभाएगी। हमारी सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर जवाब देना जानती है। दोस्तों आपको बता दें कि ईश्वर पोखरेल रक्षा मंत्री होने के साथ साथ नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लिहाजा उसे हमारे क्षेत्रों को शांतिपूर्वक राजनीतिक संवाद के जरिए हमें लौटा देना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है ये संभव है। बहरहाल दोस्तों आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो DHFF अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।